नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो शेयर है वह NCL का है, NCL लिमिटेड का। तो NCL के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज तारीख है 31 अक्टूबर और दिन के 3 बजे मार्केट ऑफ है, बट जैसे कि सिलसिला चल रहा है क्वार्टर टू के रिजल्ट का, क्योंकि इस मंथ सारी कंपनियों क्वार्टर टू के रिजल्ट रिलीज होने हैं, तो उसमें से मैं भी किनी चुनी कंपनी के बारे में बताता हूँ मुझे जिसमें लगता है कि मुझे इसमें पोटेंशियल है, कि इसमें अप ट्रेंडिंग देखने को मिलेगी आगे चल के, इसलिए मैं उन शेयरों को आपको सजेस्ट करता हूँ। और मेरा काम है कि भाई पैसों को मल्टीप्लिकेशन करना, ना कि लॉस करना। ना मेरी कॉल इंट्राडे होती है, मेरी शॉर्ट टर्म जरूर होती है, थोड़ी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होती है। पोजीशन के साथ होल्ड करेंगे, कैश मार्केट के मैं सारे शेयर आपको देता हूँ। तो आज जो NCL के बारे में बात करें, NCL BSE पे, ओनली BSE पे रजिस्टर्ड है। तो NCL के बारे में बात करने से पहले समझते हैं NCL की कंपनी क्या है, क्या किस चीज़ में काम करती है। देखिए, कंपनी मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, ठीक है। कंपनी की वेबसाइट ओपन कर, कंपनी का काम क्या है ये देख रहे हैं आप, आपको कैप्सूल दिख रहे होंगे। हाँ, तो कंपनी का काम है कैप्सूल मेकिंग की, जो कैप्सूल की जो सेल होती है ऊपर की जो लेयर जो कैप्सूल होता है, उसमें दो पार्टीशन में जब उसको खोलते हैं तो उसमें रोप पाउडर टाइप का कुछ निकलता है, तो वो नहीं, कंपनी जो कोडिंग करती है, यानी जो कैप्सूल जो होता है ऊपर से, यानी कि जो सील्ड होती है उसकी सील्स होती है, तो उसको मेकिंग करने का काम करती है। और वेजिटेरियन कैप्सूल भी यही कंपनी बनाती है। तो कंपनी का नाम भी नेचुरल कैप्सूल लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है, नेचुरल कैप्सूल लिमिटेड। तो बेसिकली क्या करती है कंपनी, तो कंपनी इस चीज़ को सर्टिफिकेट, कंपनी क्या करती है इनके कैप्सूल बनाती है, ठीक है ना। तो कैप्सूल के जो भी कोडिंग की लेयर होती है, यानी सेल्स होते हैं, वो बनाती है। देखिए कितने सेल्स बनाती है कंपनी, यानी कि 9 टाइप के कैप्सूल का सेल्स बनाती है, जिसमें वेजिटेरियन कैप्सूल भी आते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक कैप्सूल सेल्स भी आते हैं। तो ठीक है, ये सारे कैप्सूल्स बनाती है कंपनी का। मोटा मोटा आपको ओवरव्यू समझ आएगा, कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप खुद समझ सकते हैं कंपनी के बारे में। तो किसी मैं इसलिए बताता हूँ हर बार हर कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम किस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि हम सही समय पर सही जगह पर हमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब देखिए नेचुरल कैप्सूल के ओवरव्यू समझते थोड़ा सा। 29 अक्टूबर को क्या हुआ था इसके अंदर, देखिए 29 अक्टूबर को ये 1.83% की अप ट्रेंडिंग के साथ बंद हुआ था। तो इसका ओपन हुआ था 152 पे, हाई मारता 157.75 पे, लो मारता 147.25, 52 हाई है इसका 200 का, 52 लो है 65.55, ठीक है। इसका 52 हाई 52 लो है ये, तो ये ओवरव्यू है। अब देखते हैं 5 दिन में इसने हमें कितना रिटर्न दिया। इसने 5 दिन में हमें -2.29% दिया है, 1 मंथ के अंदर इन्हें -2.01% दिया, 6 मंथ में इन्हें ओनली 16% रिटर्न प्लस में दिया है, और ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इसने 66% रिटर्न दिया अभी तक इसने। तो ये ओवरव्यू है कंपनी का कि इंडिया की है, क्योंकि बैंगलोर में इसका फर्स्ट जो यूनिट लगा था, यानी फैक्ट्री जो लगी थी मेकिंग की, तो बैंगलोर में लगी थी। और कब से कंपनी है, 1993 से कंपनी है। तो ट्रस्टवर्दी है, काफ़ी पुरानी कंपनी, ये भी कह सकते 25 ईयर्स अफोव हो चुका कंपनी को, ये भी ट्रस्टवर्दी है। तो अब समझते ओवरव्यू उसका मोटा मोटा। देखिए मैंने ना, मैं बस पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूँ, ज़्यादा बातें करना मेरे को पसंद नहीं है। तो ये देखिए इसका जो प्रमोटर का शेयर है, शेयर होल्डिंग देखिए इसके, इसके प्रमोटर के पास है 54.38 और पब्लिक के पास है 45.62। तो ये प्रमोटर पब्लिक के पास है इसका ओनली, और किसी DISA FIS के पास नहीं है। तो अब समझते हैं इसका ओवरव्यू, जिसके लिए हमने ये चार्ट सेलेक्ट किया है, क्यों सेलेक्ट किया, इसकी वजह है क्या है। इसका Q2 का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, और ये शेयर बस आपको BSE पे ही मिलेगा रजिस्टर्ड है। तो इसका मार्केट कैप है 97.2 करोड़ का है, स्टॉक PE है 12.1 का, ROC 11.11% का, बुक वैल्यू इसकी 106 है, काफ़ी सही है। ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी 9% की है, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ये भी सही है। तो इसका ओवरव्यू समझते हैं कंपनी क्या करती है। क्वार्टर वाला रिजल्ट अच्छा दे रही है कंपनी, डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, के जो कर्जा कम करने के दिन है वो 166 से घट के हो गए 122 पर, ठीक है 122 दिन पर हो गए हैं वो। तो कंपनी का ये है। और बाकी देखिए कंपनी जो क्वार्टर रिजल्ट आया, देखिए सितंबर क्वार्टर 2021 के अंदर 30 करोड़ की सेल हुई है, तो उसमें से इनको 5.34 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, 5.34 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, और इनका EPS भी ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में 4.22 का EPS का ग्रो हुआ है, ठीक है। ये EPS है इनका, नेट प्रॉफिट आया इनका, सब कुछ काट पिट के बाद आया
2.63 करोड़ का प्रॉफिट आया इनको। तो ये भी देखने वाली चीज़ होती है भाई किसी भी कंपनी की ग्रो और नेट प्रॉफिट और एक्सपेंस कितना हो रहा है, सेल बढ़ रही नहीं बढ़ रही, ये भी देखना होता है। क्वार्टर क्वार्टर इनकी सेल इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, ये भी देखना होता है हर एवरी क्वार्टर और ईयरली वाइज भी। देखिए सितंबर क्वार्टर के अंदर की सेल थी 18 करोड़ की, वो बढ़ के यानी कि 50% से अबव है, ठीक है। इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है इस बार। तो देखिए 20 के अंदर इनका प्रॉफिट था 2.46 था, वो बढ़ के 2021 के अंदर 5 है। तो ये प्रॉफिट भी बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर वाइज बढ़ा है। ये देखिए क्वार्टर जून के अंदर इनका 4.226 था, यानी कि 15% की बढ़ा था इस क्वार्टर क्वार्टर वाइज के हिसाब से देखेंगे। तो क्वार्टर क्वार्टर वाइज में नेट प्रॉफिट था 2.10, तो वो बढ़ के 2.63, ये भी बढ़ा है और EPS में भी ग्रो हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या है, ये ईयर वाइज भी बढ़ा है और क्वार्टर क्वार्टर वाइज रिजल्ट में और कंपनी ग्रोथ में और कंपनी के वर्किंग में और कंपनी के EPS में भी सब चीज़ों में ग्रो हुई है। ईयर वाइज देखेंगे तो आप क्वार्टर क्वार्टर वाइज देखेंगे दोनों में, यानी ईयर वाइज तो 50% अबव हुआ, क्वार्टर क्वार्टर वाइज देखेंगे 20% अबव हुआ है। बाकी कंपनी का और कंपनी के पोटेंशियल, कंपनी का वर्किंग काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हो कोविड के चलते हुए हमें जो मेडिसिन के अंदर कैप्सूल भी इंटेक हो रहे हैं, सब चीज़ों की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सब चीज़ों की नीड बढ़ गई है एकाएक। तो डेफिनेटली आने वाले समय में अब आपको पता है कि पहले बहुत से कम लोग मल्टी विटामिन और कैल्शियम जिंक विंक इनके कैप्सूल नहीं लेते थे, बट अब सब कोई कैप्सूल लेना स्टार्ट कर चुके हैं मल्टी विटामिन, क्योंकि अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को सेफ रखना है कोविड की वजह से भी वैसे भी। तो डिमांड इसलिए इनकी सेल भी इंक्रीज हुई है क्वार्टर क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज इनकी सेल ग्रोथ होगी। तो डेफिनेटली इसमें और भी अब ट्रेंडिंग देखने को मिलेंगी और शेयर काफ़ी अच्छा, कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी ट्रस्टवर्दी। ये देखिए ना मार्च 2020 के अंदर इनका इनको नेट प्रॉफिट आया था 5 करोड़ का, वो 2021 के अंदर आया था 11 करोड़ का। तो ये प्रॉफिट भी देखते हैं, सेल भी बढ़ी है। मार्च 2020 के अंदर इनकी सेल थी 62 करोड़ की, वो बढ़ के 21 के अंदर हुई है 80 करोड़ की। तो EPS भी इनका ग्रो हुआ, ईयर ईयर वाइज इनकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी चल रही है, कंपनी ईयर ईयर वाइज भी अच्छा डेवलप कर रही है, क्योंकि कोविड के बाद से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ चुकी है। आप समझते हो इसके अंदर क्या है। ये देखिए मैं इसका डेली चार्ट ओपन करके चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसमें हमें जो स्टॉप लॉस रखना है, देखिए यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हो रहा है, यानी कि करेक्शन बहुत तेज़ी से हो रही है शेयर के अंदर, ठीक है ना। इन्हें अपना 52 हाई तोड़ा था, किस दिन तोड़ा था दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसने अपना 52 हाई जिस दिन तोड़ा था वो था, ये देखिए यहीं कहीं आपको 52 हाई दिखेगा इसका, ये देखिए इसका 52 हाई था यहाँ पे 9 अगस्त को इन्हें अपना 52 हाई दिया था 200 रुपये का। ये देखिए यही ये कैंडल बनी थी, उसके बाद से नेक्स्ट डे में अच्छी खासी प्रॉफिट बुक हुई है, क्योंकि वॉल्यूम तो हुआ था, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हुआ था, बाकी शेयर में कोई मूव्स हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी के जो यानी कि वो कहते हैं सेंटर्स थे, यानी कि जो यूनिट्स थी वो बनती रीओपन हुई थी कोविड के बाद से। तो देन उसके बाद से इम्पैक्ट आया था, इम्पैक्ट के बाद न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ था, तो उसमें तेज़ी आई थी। तो मुझे लगता है शेयर के अंदर अब जो रिजल्ट आया क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट कल के दिन मंडे को, इसमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मैं 10 से 15 दिन के 3 टारगेट दे रहा हूँ, तीनों अचीव होंगे। तो पहले हमें स्टॉप लॉस रखना है 145 का, यानी 145 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। तो 145 ये देखिए इस कैंडल पे ही सपोर्ट लेगा, दोनों कैंडल है ना, इस दोनों कैंडल को सपोर्ट लेकर चाहिए, क्योंकि देखिए 147 की ही कैंडल बन रही थी, तो उसके बाद का लो नहीं गया, इस कैंडल पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद से कैंडल को फिल करेगा फिर से, ठीक है। तो चार्ट ही हमें समझाता है क्या लेवल आना चाहिए। अब तो इसमें पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा, इसमें पहला टारगेट मेरा है 160 रुपये का, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल जो बन रही है वो बन रही है 180 तक की कैंडल है, तो पहला टारगेट मेरा 160 का है, दूसरा टारगेट मेरा 165 का है, तीसरा टारगेट मेरा 170 रुपये का। तीनों टारगेट का बाय करिए, पेशेंस बने रहिए, क्योंकि यही कैंडल से सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये इसके बाद से इसमें करेक्शन हुआ है। ये देख सकते हैं आप 187 के बाद से फिर 200 का लेवल हुआ था, क्योंकि ये करेक्टिव मोड था, ठीक है। ये इस कैंडल पे ये देखिए जहाँ से इसका बॉटम ख़त्म होता है वहीं पे इसकी यहीं से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई थी। तो इस कैंडल पे ही तक अभी तक अप ट्रेंडिंग नहीं आया, अगर ये 180 के ऊपर जाएगा तो इसमें अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे, ये अपना 52 हाई फिर से तोड़ेगा। बट 10 से 15 दिन के शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, तो पहला टारगेट मेरा 160 का, दूसरा टारगेट 165 का, तीसरा टारगेट 170 रुपये का। ये देखिए इसका MACD भी अब ट्रेंडिंग की तरफ आने को तैयार, क्योंकि क्रॉस मूविंग होगा। RSI इसका डाउन था बट कल के दिन में इसमें अब ट्रेंडिंग आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस मूविंग होनी है, ये देखिए 100% इसमें क्रॉस मूविंग होगी। ये देखिए ये 7 डेज को क्रॉस मूव करेगा, 21 डेज 7 डेज को क्रॉस मूव करके चलेगा, ये देखिए, क्योंकि कैंडल फिर से पैटर्न बुलिश, ये देखिए बुलिश कैंडल ट्रेड हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेट इसमें अप ट्रेंडिंग आएगा। तो ये देखिए इसमें RSI MACD के अंदर अप ट्रेंडिंग है, RSI भी अप ट्रेंडिंग है, ADS डाउनफॉल हो चुका है, तो डेफिनेट इसमें अप ट्रेंडिंग आएगा। तो तीनों टारगेट पे बाय करिए, पेशेंस बने रहिए। तो
स्टॉप लॉस रखना हमें 145 का, पहला टारगेट 160 का, दूसरा टारगेट 165 का, तीसरा टारगेट 170 रुपये का, तीनों टारगेट का बाय करिए, पिछले साथ बने रहिए और रिजल्ट का इंपैक्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल भी अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो आई होप ये वीडियो आपके यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।